नमस्कार दोस्तों, आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं और बड़े दिनों के बाद, दिन क्या कहूँ, बड़े वर्षों के बाद ये मौका वापस आया है कि हम दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। तो अभी हम घर से निकलेंगे थोड़ी देर में और उसके बाद पूरे रास्ते का आपको मैं विवरण बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको उस लोकेशन के बारे में बताऊंगा जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। तो आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल विक्रम ब्लॉग पे। बड़ा रोड है यहाँ, काफी साइड से गाड़ियां निकलती है। ये रास्ते में लगभग 100 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। इसके भी दर्शन करते हुए ही निकलना, सुभेंद्र जी के रास्ते में ही ये मूर्ति स्थापित की गई है और इसे आप ज़रूर देख के, इसके दर्शन करके फिर ही आगे। ये आप सामने देख रहे हैं, मेरे को सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, इनसे चढ़कर आप महाराज की कुटिया में पहुंच जाएंगे। कुटिया देखो आप, लगभग 150 सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और ये जो सामने सीढ़ियाँ चल रही है, यहाँ सुकानंद जी महाराज का मंदिर का रास्ता है। चारों तरफ पानी है, ये देखिए आप। ये आप देख रहे हैं यहाँ झरना बहता हुआ, अब जो आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल पेड़ों और पौधों के बीच में पानी पी रहे हैं। अब यहाँ थकने के बाद थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और हमारे मित्र मोबाइल में लगे हुए हैं अभी। ये गोपाल जी बराबर हाई करते हुए अपने आप को नोटिस में डालते हुए, हमारी मूछें थोड़ी बाकी हो रही है तो हम उसको व्यवस्थित करते हुए वीडियो में चर्चा। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है, ये बहुत पुरानी है और गणेश जी हमें आगे सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत प्रदान करें और जितना भी हमने खाया था वो सारा पच चुका है, और कुछ खाने की इच्छा हो रही है। ये देखिए पुराना गेट बना हुआ है बिल्कुल मंदिर के बाहर, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, और अब आप इस गेट से अंदर होते हुए भगवान शिव के मंदिर की तरफ स्नान करते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का, जिसे आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। ये भगवान शिव का घंटा लगा हुआ है और ये देखिए आप, ये मंदिर है और ये मंदिर के पास में झरना बहता हुआ पानी पहाड़ों के ऊपर से, आप देख सकते हैं इस मंदिर के ऊपर कितना ऊंचा पहाड़ है और ये पहाड़ों के पास से झरना बहता हुआ। यहाँ सभी लोग मंदिर दर्शन करने के बाद स्नान करते हैं। शानदार व्यू बना हुआ है, मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ।
इस झरने से पानी कहाँ जा रहा है, शायद यहाँ कुछ नज़र भी नहीं आता है।